हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम टॉप 5 न्यूज़ को कवर करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास के जो नोट्स हैं, जो पीडीएफ है, वो आपको फ्री में मिल जाएगा। आप कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। फर्स्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपकी G20 समिट से रिलेटेड है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके सामने, इसमें ये पूछा गया है कि जो अभी 2 दिन का, यानी हाल ही में जो 2 दिन का साइंस 20 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था G20 के अंदर, वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी किस प्लेस पे ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइज, यहाँ जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। भोपाल के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, यानी भोपाल के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इसलिए यहाँ सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि प्रेसिडेंसी ऑफ G20 समिट 2023, यानी जो G20 समिट हो रही है 2023 की, उसे कौन सा इंडिया, कौन सी कंट्री होस्ट कर रहा है। तो हमें पता है इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, तो यहाँ इंडिया हो जाएगा। ये कौन सा एडिशन है, तो ये G20 का 18th एडिशन है। G20 का मतलब क्या होता है कि इसमें 20 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, जो या तो डेवलपिंग है या तो डेवलप्ड है। उसके बाद जो गरीब कंट्री है उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री को ही इन्वॉल्व किया गया है। कौन सा एडिशन है, 18th एडिशन है। G20 का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यानी G20 जब बनाया गया था, किस ईयर में बनाया गया था, तो 1999 में बनाया गया था। फर्स्ट G20 जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी, USA में ऑर्गेनाइज की गई थी। और ये जो 18th एडिशन G20 हो रहा है, जिसे इंडिया होस्ट कर रहा है, इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है, अगर हम इंग्लिश में मतलब इसका देखें तो उसकी मीनिंग होगी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। हिंदी में अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन इंग्लिश में अगर आपको थीम पूछेगा तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसकी थीम है। उसके बाद लोगो की बात करें कि इसका लोगो क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये इसका लोगो है, खिलता हुआ कमल। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जो खिलता हुआ कमल है उसमें जो 7 पंखुड़ी हैं वो किसको दर्शा रही हैं, यानी जो ये पंखुड़ियां हैं ये किसे दर्शा रही हैं, क्यों 7 ही 8 क्यों नहीं है, तो ये जो 7 पंखुड़ी हैं ये हमारे जो 7 महासागर हैं उनको दर्शा रही हैं, यानी जो 7 कॉन्टिनेंट हैं उनको ये डिनोट कर रही है, उन्हें दर्शा रही है। तो इस बात का ध्यान रखें, ये क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में पूछा गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है कि वेन्यू क्या है, यानी G20 होस्ट कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। इंडिया की कौन सी सिटी में ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो न्यू दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। आपसे ये पूछ रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने UN के साथ, यानी यूनाइटेड नेशन के साथ एक डील साइन की है, यानी इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने UN के साथ एक डील साइन की है, जो किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2023-27, इससे रिलेटेड है। तो इसमें से बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, तो यहाँ आपका नीति आयोग हो जाएगा। नीति आयोग ने यूनाइटेड नेशन के साथ ये डील साइन की है, क्या है ये जान लेते हैं। ये मेनली फोकस करता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक एक्शन प्लान लिया गया है, उसी से रिलेटेड ये डील है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नीति आयोग ने इसे UN के साथ साइन किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो टोटल 17 गोल्स हैं। कौन सा गोल्स, यानी किस नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या शो करता है, यहाँ सारे मेंशन किए गए हैं, यानी यही यहाँ 17 की 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मेंशन किए गए हैं। अभी हाल ही में आपका पवन ऊर्जा दिवस मनाया गया था, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डिनोट करती है, तो आप देख सकते हैं 7 नंबर को डिनोट करती है, यानी SDG 7 को डिनोट करती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये PDF आपको फ्री में मिल जाएगी, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है ये आपके जापानीज पार्लियामेंट से रिलेटेड है, यानी जो जापान की संसद है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि हाल ही में जापान की जो संसद है उन्होंने कॉन्सेंट की जो एज है उसे चेंज कर दिया है, यानी पहले 13 था, अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 16 कर दिया गया है। तो ये जो चेंजमेंट हुआ है
जापान की संसद ने ये चेंजमेंट कितने सालों के बाद किया है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कौन सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो जापान की संसद है 116 सालों बाद जो कॉन्सेंट की एज है उसे चेंज किया है, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। आइए जान लेते हैं, ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये जो आपको संसद दिख रही है, ये जापान की संसद है, जिसे कहते हैं डाइट। यानी आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि जापान की संसद को क्या कहते हैं, तो जापान की संसद का नाम है डाइट। इन्होंने क्या किया है, जो 13 एज थी कॉन्सेंट की उसे बढ़ाकर 16 कर दिया गया। अगर इंडिया की बात करें तो आप कमेंट करके बताइए कि इंडिया की कॉन्सेंट एज कितनी है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है आपका गांधी शांति पुरस्कार से। हाल ही में गवर्नमेंट ने गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया है, इसमें ये पूछ रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन को ये पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। और ये जो गांधी पीस प्राइज है, ये आपका किस ईयर से रिलेटेड है, ये 2021 से रिलेटेड, तो इसे भी याद रखिएगा कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 किस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गीता प्रेस को गवर्नमेंट के थ्रू गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें जो अमाउंट प्रोवाइड की जाती है वो 1 करोड़ की अमाउंट प्रोवाइड की जाती है। किसे ये पुरस्कार दिया जाता है, उन लोगों को या उन ऑर्गेनाइजेशन को ये पुरस्कार दिया जाता है जो गांधी जी के आदर्शों पर चलते हैं, यानी गांधी जी के आदर्शों पर चलकर जो बहुत अच्छा काम करते हैं या किसी फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंडर 1 करोड़ की अमाउंट प्रोवाइड की जाती है, तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए गीता प्रेस कहाँ की है, गोरखपुर की। आपने देखा होगा बुक्स बहुत सारी आती हैं गीता प्रेस की, जो आपकी धार्मिक किताबें होती हैं, जैसे रामायणा हो गई आपकी, गीता हो गई, भगवद गीता, तो उनमें ये पीछे सिंबल दिया होता है, यानी ये इनका लोगो बना होता है, तो इन्हें ही गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये आपकी पुरस्कार की इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी ऐप से रिलेटेड। इसमें ये कह रहा है कि हाल ही में एक स्टेट की गवर्नमेंट ने, यानी कि वहां के सीएम ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है अरुण पोल। ये ऐप किस लिए लॉन्च किया गया है, सिटीजन्स की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को लेकर। तो किस स्टेट के सीएम ने ऐसा किया है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो सीएम है उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है अरुण पोल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सिटीजन्स को सेफ्टी प्रोवाइड करना। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये ऐप है जिसका नाम है अरुण पोल ऐप। ये क्या करेगा, यानी किस टाइप की आप रिपोर्ट्स, किस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लॉस्ट रिपोर्ट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेशन, यानी कि जितने भी यहाँ कार्यक्रम दिए गए हैं, जितने भी प्रोग्राम्स दिए गए हैं, इन सभी को आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन ही आप अपना एप्लीकेशन, अपनी शिकायत, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप इस ऐप के थ्रू गवर्नमेंट को, वहाँ की पुलिस को प्रोवाइड कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, यहाँ इनका नेम लिखा हुआ है, इन्होंने ही इस ऐप को लॉन्च किया है। किस दिन लॉन्च किया है, जून 14, यानी 14 जून को इन्होंने लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में हमने टॉप 5 इंफॉर्मेशन, टॉप 5 न्यूज को कवर किया है। इस वीडियो का जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेक करके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप डेली आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ वहां मिलती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।